दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से है। किसानों का आज फिर दिल्ली कूच, किसानों के मार्च को लेकर सुरक्षा कड़ी। नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर भी सुरक्षा कड़ी। शंभू खनौरी सिंघू गाजीपुर बॉर्डर पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। चंडीगढ़ हरियाणा बॉर्डर पर जुटे किसान। हरियाणा के कई इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। हरियाणा के 15 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। शंभू बॉर्डर पर रबड़ की गोलियां तक चलाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। तो दिल्ली से यह बड़ी खबर है, किसानों का आज फिर दिल्ली कूच, किसानों के मार्च को लेकर सुरक्षा अब और कड़ी कर दी गई है। हालांकि ये सुरक्षा व्यवस्था कल से ही जारी है, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की पहली लेयर को तोड़ दिया गया उग्र किसानों के द्वारा, इसको देखते हुए आज सुरक्षा और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। हरियाणा के कई इलाकों में कल की तरह आज भी इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और 15 जिलों में, हरियाणा के जो 15 जिले हैं वहां धारा 144 लागू कर दी गई है। तो दिल्ली से यह बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से देखिए, जो प्रदर्शनकारी किसान हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और सरकार और किसानों के बीच ठन गई है। हालांकि पहले वार्ता भी हुई थी लेकिन वो वार्ता फेल रही और सरकार हर संभव कोशिश करने के लिए तैयार है। हालांकि कृषि मंत्री का बयान भी आया था इसी को लेकर, कृषि मंत्री का कहना था कि हर संभव कोशिश की जाएगी, लेकिन उसके बाद भी किसान MSP और अन्य मांगों पर अड़े हुए हैं और उसको लेकर उग्र प्रदर्शन। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो उग्र किसान है, जो प्रदर्शनकारी किसान है, वो बारी बारी से हर एक बॉर्डर को क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और किसी भी तरह से वो कोशिश कर रहे हैं कि बस दिल्ली में एंट्री हो जाए। लेकिन इधर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है सरकार की तरफ से और हर संभव कोशिश की जा रही है कि हालात बिगड़े ना, हालात काबू में रहें। देखिए किस तरीके से आंसू गैस के जो गोले दागे गए उस पर बोरियां डालकर, भीगी बोरियां डालकर उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। पूरी तैयारी के साथ किसान भी यहां पर प्रदर्शन करने आए हुए हैं। खबर तो यहां तक है कि जो प्रदर्शनकारी किसान है वो JCB मशीन तक लेकर आए हैं। तो प्रशासन बनाम किसान पर अब पूरी बात ठन गई है। देखिए किस तरीके से तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तस्वीरें हम आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, चाहे शंभू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो या टीकरी बॉर्डर हो, दिल्ली के चारों बॉर्डर पर यही स्थिति बनी हुई है और शंभू बॉर्डर पर तो बैरिकेडिंग की पहली लेयर को भी तोड़ा जा चुका है। इसके बाद जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसको और ज्यादा सख्त कर दिया गया है और पूरी कोशिश की जा रही है कि किसान दिल्ली में एंट्री ना कर पाए। वहीं जो उग्रवादी किसान है जो प्रदर्शन करने के लिए बराबर आगे बढ़ रहे हैं दिल्ली के हर एक बॉर्डर से, वो भी अपनी पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि जितना भी संभव होगा कोशिश की जाएगी, किसानों की बात मानी जाएगी, पूरी कोशिश उनको समझाने की जाएगी, लेकिन इधर किसान समझने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से, ये देखिए प्रदर्शन की तस्वीरें हैं, आंसू गैस के गोले दागे गए उनको, किस तरीके से वही। अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी पूजा लाइव रूम से जुड़ गई हैं। पूजा, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर? दूसरा दिन किसानों के आंदोलन का और किसान उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, जो इसे बॉर्डर से दिल्ली करते हुए वहां जो है उधर प्रदर्शन चल रहा है किसानों द्वारा। इधर पुलिस प्रशासन भी तरह मुस्तैद है, सुरक्षा व्यवस्था जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। तो फिलहाल जो है यहाँ
इतनी खबर में कहा जाता है कि किसान जो है वह 6 मई से आंदोलन करने का था जो उसका प्लान है और इसको लेकर वो पूरी तरह से तैयार होकर आज किसान राशन लेके आए हैं 6 महीने का। और देखा जाए तो जो पूरे देश में खासकर के दिल से जो है वह आम जनता जो है परेशान भी थी क्योंकि खास करके जो सुबह ऑफिस जाने के लिए लोग अपने घरों से निकले तो लंबे लंबे जाम में खुद को फंसे पाए। और फिलहाल यही कहा जा रहा है कि प्रशासन अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह किसान के आंदोलन है या उपरत ना हो पाए। पूजा, जो स्थिति 2021 में बनी थी, अभी की जो स्थिति हम देखें, क्या एक बार फिर से 2021 वाली तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं? क्या एक बार फिर से वही हालात बन सकते हैं? देखिए मानसी, जिस तरह किसानों ने अपना आंदोलन वापस लिया था 2021 में, तो इस वक्त जो है सरकार से किसानों की जो मांगे थी, खास करके MSP में जोड़ दिया गया था, तो कहा गया था कि सरकार ने अपनी तीनों मांगे वापस ले लिया, सरकार ने तीनों आंदोलन वापस ले लिया। लेकिन इस बार किसान एमएसपी के अलावा और भी कई सारे मांगों को लेकर आए हैं। देश की जनता भी जान रही है इसके साथ ही कौन कौन से हैं, लखीमपुर खेल खेल केस से लेकर के कई ऐसे मांग है जैसे पेंशन को लेकर मांग है, और तो इस तरह के आंदोलन ठीक है इसी चीज को दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं कि जो किसान है वह अपनी मांगों को जब पूर्ण रूप से पूरा ना करा पाए तो वह सफल नहीं हो पाए। ठीक है, धन्यवाद पूजा तमाम अपडेट के लिए। 9 राज्यों के किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए पुख्ता व्यवस्था की गई है। साथ ही दिल्ली में पुलिस ने बॉर्डर पर एक बैनर लगाया है जिसमें लिखा है कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच कर रहे हैं, इसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी सहित 9 राज्यों के किसान हैं जो कि अपनी मांगों को लेकर आज दिल्ली कूच करने वाले हैं। इससे पहले दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर आप देखिए पुलिस जो है वो मुस्तैद है दोनों ही राज्यों की। जो ये बॉर्डर है, एक तरफ दिल्ली है और दूसरी तरफ यूपी का बॉर्डर है। यहाँ आप देखिए जो किसान हैं वो ना आ पाए दिल्ली के अंदर, इसके लिए कंक्रीट की दीवार जो है वो सड़क पर तैयार की गई है। इसमें जो कटीले तार हैं वो लगाए गए हैं। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की तरफ से एक चेतावनी जारी की गई है, उसके लिए एक बैनर लगाया गया है कि यहाँ पर धारा 144 लागू है, यदि कोई उल्लंघन करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो जो किसान है वो आज दिल्ली कूच करने वाले थे, लेकिन दिल्ली के सभी जो बॉर्डर हैं वो फिलहाल इसी तरह से सील कर दिए गए हैं और पुलिस प्रशासन की ये कोशिश है कि किसी भी तरह से किसान दिल्ली में एंट्री ना कर पाए, क्योंकि पहले जो आंदोलन हुआ था किसानों का उसमें किसान काफी उग्र दिखाई दिए थे और उसके बाद से ही लगातार इसी तरह से बॉर्डर सील किए जाते हैं जिससे कि जो किसान हैं वो कोई उग्र प्रदर्शन ना कर पाए। तो फिलहाल उन्हें दिल्ली जाने से रोकने के लिए बॉर्डर सील कर दिए गए हैं और कंक्रीट की दीवार बकायदा बना दी गई है। यदि किसान यहां आते हैं, जैसा कि उनकी तरफ से कहा गया है कि वो ट्रैक्टर लेकर आएंगे, तो आप देखिए जो ऊपर फ्लाईओवर है दिल्ली मेरठ रोड का, उस पर भी ऊपर बकायदा माइक लगाए गए हैं पुलिस की तरफ से, वहां से भी चेतावनी दी जाएगी यदि किसान आते हैं। और आप ऊपर देखेंगे जो फ्लाईओवर है वहां भी इसी तरह से बैरिकेटिंग पुलिस की तरफ से की गई है, CCTV कैमरा लगाए गए हैं। तो हर तरह से पुख्ता इंतजाम सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से किए गए हैं कि किसान जो है वो दिल्ली कूच ना कर पाए। कैमरामैन दीपक के साथ नगेंद्र भाटी, AMV नेटवर्क, दिल्ली। पंजाब हरियाणा से बड़ी संख्या में किसानों ने दिल्ली की ओर कूच कर दिया है। किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए सीमा पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हमारे संवाददाता नगेंद्र भाटी ने मौके का जायजा लिया। अन्नदाता कहे जाने वाला किसान और केंद्र सरकार एक बार फिर आमने सामने है। किसानों ने दिल्ली कूच करने की चेतावनी दी है अपनी मांगों को लेकर कि सरकार या तो उनकी मांगे माने, नहीं तो वो फिर से दिल्ली कूच करेंगे और वहीं पर जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती है वो वहीं पर रहेंगे। आप देखिए इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर हैं।
आप देखिए कि पुलिस की जो व्यवस्था है वो पूरी चाक चौबंद है, जो बॉर्डर है वो सील कर दिए गए हैं। आप देखिए कि कितनी मुस्तैदी पुलिस की तरफ से दिखाई जा रही है। मेरे पीछे आप देखिए कि जो वाटर कैनन है उसकी भी व्यवस्था पुलिस की तरफ से की गई है कि यदि किसान किसी भी सूरत में यहाँ तक पहुँचते हैं तो उन्हें फिर जो वाटर कैनन है उससे रोका जाएगा, पानी की बौछार किसानों पर की जाएगी। आज सुबह से ही जो दिल्ली मेरठ हाईवे है इस पर जाम की समस्या से लोग परेशान हैं। आप देखिए कि जहां तक भी नजर जाती है वहीं तक ट्रैफिक जाम की जो समस्या है वो दिखाई दे रही है। जो वाहन है वो आज सड़कों पर फर्राटा भरने के बजाय रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुबह से लोग परेशान हैं, आज 8 बजे से ही जो सड़कों पर इस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है। यदि किसानों की बात करें तो जो किसान है वो इस बार भी अपनी वही मांग रख रहा है सरकार के सामने। अब किसान भी जानता है कि बहुत ज्यादा वक्त लोकसभा चुनाव को नहीं रह गया है और यही वो समय है जिसमें कि सरकार पर किसान दबाव बनाकर अपनी मांगे मनवा सकता है। जो किसानों की मांगे हैं, किसान चाहता है कि एमएसपी के लिए एक कानून बने, उनके पास गारंटी हो कि कम से कम इस कीमत पर उनका उनकी जो फसल है वो खरीदी ही जाएगी। और इसको लेकर लंबे अरसे से लगातार जो किसान है वो सरकार से मांग करता रहा है। 12 फरवरी को शाम लगभग 4 से 5 घंटे 3 केंद्रीय मंत्रियों की बैठक भी किसानों के साथ हुई है चंडीगढ़ में, लेकिन उसमें भी कोई फैसला निकल कर नहीं आया है। किसान ठान कर बैठा है कि वो दिल्ली कूच करेगा। वहीं प्रशासन भी अड़ा हुआ है कि किसी भी कीमत पर किसानों को दिल्ली में एंट्री नहीं करने दी जाएगी। कैमरामैन दीपक के साथ नगेंद्र भाटी, एमवी नेटवर्क, दिल्ली।